राम राम जी। तो चल दिए हैं पीहू के बर्थडे में। दूध दही लेगा? बारिश आ रही है तो। पर ये तो बारिश भी आ रही, जाएंगे किस तरह? फोन कर देना को बारिश आ रही है, आऊं किस तरह? और सामान सारा तैयार करा। हां 2:30 बज लिए, मौसम भी के छोटा ही दिनो। चल चल मैं आज दी खता। बारिश बरस ले को, कल को नहीं बरस सका, सांझ के टाइम ऐसे मौसम पर गड़बड़ करी बता। तो 3:30 बज चुके हैं और होली है तैयार बर्थडे में जाने के नाम के। तो दूर का रास्ता है इसलिए जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश आ चुकी है पर जाना भी ज़रूरी है। तो बांध लिया है थैला जिसमें है दूध दही, और बैग भी बांध लिया है पीयू के कपड़े इसमें, और अब बस निकलने ही वाले हैं। बारिश अभी कम कम बरस रही, पर क्या पता फिर ज़्यादा जोर से बरसने लगे। तो शाम के बज गए हैं 4 और पहुंच गया हूं वर्षा के ससुराल और पीहू के जन्मदिन पर। और देखिए डेकोरेशन करी है सचिन ने और वर्षा ने, और ये मैं पीहू के जोड़े लाया घर से, ये उसका फ्रॉक पर आ रही है अब। जब पीहू को तैयार कर रही वर्षा, और पीहू हंस रही है मामा जी के यहाँ से फ्रॉक का। और ये देखिए पीहू का केक, और पीहू के बाबा जी हैं ये लाड कर रहे, और ये इसके पीयू के बाबा जी और छोटे बाबा जी, और पीयू के बाबा जी पड़ बाबा जी सचिन हमारे जो मेहमान हैं उनके दोस्त हैं। और देखिए अब केक कटने की हो गई है तैयारी, इस पर मोमबत्ती लगाई जा रही है। ये जो तैयारी कर रहे हैं सचिन के जीजा जी हैं, और वर्षा की एंट्री हो गई है, वर्षा आ गई है, और सचिन केक कटने की हो गई है तैयारी। अब फूंक मारी है पीयू, फूंक मार दी पीयू ने, और सब थाली बजा रहे हैं। और देखे बलून फोड़ दिया है, ये सब इनके मिलने वाले हैं सचिन को, ये मैं हूँ। पीयू को खाया जा रहा है केक, और ये सचिन का भांजा है वर्षा पीयू को ले रही है, और उसके उसकी बुआ जी करेगी पीयू का तिलक। पहले वर्षा ने किया है तिलक, ये पीयू की छोटी दादी है, पीयू की बड़ी दादी। और देखिए बच्चों को सचिन जी दे रहे हैं केक, लड़के को दिया है पहले केक, ये मम्मा से तो पकड़ लिए। और पीयू के बाबा जी खा रहे हैं केक, अब खाने का टाइम हो गया है, अब शाम का खा रहे हैं खाना। पीयू के छोटे बाबा जी, उनके पापा जी, और मैं, और ये सचिन के जीजा जी खाना परोस रहे हैं, और सचिन जी लाया नमक, और देखे वर्षा खाना बना रही है।
अब सचिन कुमार और उनके चाचा जी के लड़के और उनके मेहमान खा रहे हैं खाना। राम राम जी, सुबह के बज गए 8 और अब कर रहे हैं नाश्ता और घर पे चलने की होगी है तैयारी। अली पियू, पियू अली मम्मी जी के पास, पियू अली है तू, नाश्ता करते चल पड़े होंगे जी, जल्दी आ ले लो आगे, मम्मी खेत में जा रही थी, तो किस तरह करेगी आप, मतलब कहते हो कि मम्मी सांझ को ले आऊंगी जाकर, तब आएगा तो बात सही, गुड्डा सी है, पहले तो खूब सोई पिछली साल की तरह, अरे फिर बड़े तरह केक काट दे, हाँ नजर लगी मम्मी की, जोड़ा बढ़िया रहा ना, ना बड़ा ना छोटा, अच्छा लग रहा तो भाई सोड़ी लो, तब जाया चले ना, वो कब ना सोड़ा, आ जाओ भी का खेत में चलो, पानी पानी हो रहा, पानी पानी हो रहा, ये देखो माँ के फिगर में कितनी जल्दी आए, दूर का रास्ता जल्दी क्या कर दिया, गजर को लगा था ना बरसा खतर बचा रखा था, अरे कहाँ था रखा था, अरे भाई मेरे बच्चे तो भी चोरी रखी, वैसे तो मैं कुछ नहीं कहते भूखा के लिए बचा रखा, पर फिर भी करते पड़ते मंगा हाथ देंगे नहीं तो, अरे तन्न तो यार चाड़े फाड़ दिए, तो वर्षा का लगा दें मैं नाश्ता, आवाज तो खा ऐसा पर, हाँ लंबा सफर है, चल चल कट गए बच्चे तो देखते हैं खुश हो जाएंगे, हाँ पियेंगे पी लो, तो लार क्या कपड़ी तो बना दिया मेरे लिए चाय और हलवा गाजरों का, तो सांत तो दावत में ही है, बस आ गई बैठे चाय तैयार कर दी, तो हम तो इंतजारी करो जहाँ तो फिर सामान तो तैयार रह गई, मैं तो सटर खुलते गाल भाग ली मकाय ली थी, क्या रितु को बुलाएगी चाय पिलाएगी, क्या जाए रितु चाय पिला है, रितु आ रही तो भी पिला है, अभी पी लेंगे, तब सरप्राइज दे देना मैंने हलवे का, तेरा बाप दिख रहा, पियू आजा आजा मेरे बेटा, नहीं खा ले तू, मेरा बेटा देखे नाश्ता करेगी, चाय दे दे सब उब्बू को, हलवा खुआ दे गाजरों का, पियू रहा नहीं देखे मेरा पियू आ लिया, अरे खा ले बाबू, आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बाय बाय दोस्तों।